भाई रुको जरा रुको, सब बता तो इस वीडियो में सब पता चल जाएगा कि मेरे पास सामान कैसे है और मैं इस वीडियो में कैसे बोलता हूँ। बिना किसी बकवास के तो चलते हैं वीडियो की तरफ को। वैसे भी मैं ज्वाइन होने के बाद मैं अपना रिसोर्स जो है कलेक्ट करने में लग गया था, जैसे कि अपना वुड हो गया, अपने लिए फूड हो गया या फिर रहने के लिए जगह हो गई, ये सब मैं ढूंढ रहा था। पर आसपास मुझे कुछ जगह मिल नहीं रही थी, तो मैं ऐसे दूर भटकने के लिए चला गया, मतलब घूमने के लिए चला गया मैं। और ऐसे बहुत ज़्यादा घूमने के मतलब बहुत ज़्यादा सफर करने के बाद मुझे एक ये विलेज मिल जाता है और मैं इसी विलेज में जो बस चुका हूँ। तो फिर अपने ग्राइंडिंग भी करता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पास अभी फुल्ली डायमंड का आर्मर है और मेरे जो टूल्स है वो भी डायमंड के और वो प्लस एंचेंटेड भी हैं। वो अभी फिलहाल मैंने बहुत ही ग्राइंड किया है और अभी सीक्रेट बेस भी बनाना है मेरा। तो अभी इस सीजन में मैं अपना जो सीक्रेट बेस है वो बनाने वाला हूँ। तो अगली वीडियो में वही आपको दिखाऊंगा कि मैंने और क्या क्या ग्राइंड किया है। बोलोगे कि भाई ये सब कुछ ठीक है पर अभी तेरे पास जो इतने हार्ड से वो खास है, तो ये बहुत बड़ी लंबी कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैं हमने आपको कहा था कि मैंने ग्राइंड बहुत की है, जैसे कि डायमंड के लिए बहुत नीचे तक जाना पड़ता है, तो मुझे वहाँ पे डंजन्स भी बहुत मिले, मतलब मॉब्स स्पॉनर भी बहुत मिले हैं। उनसे मुझे कुछ रिवाइव बुक है वो मिले थे, मतलब दो तीन मेरे को रिवाइव बुक मिले था। मैं क्या करता हूँ, अपना जो जिक्सी भाई है उसको मैं अपने विलेज पे बुलाता हूँ और उसको बोलता हूँ भाई देख मेरे पास इतने इतने हार्ट थे, अगर तू मेरे मुझे मार के मेरे हार्ट तेरे पास देता है और मुझे जो रिवाइव बुक से रिवाइव करता है एक दो बार, मेरे हर्ट्स जो है वो तेरे पास बहुत ज़्यादा आएंगे और मुझे फिर बाद में दे देना। तो इसी तरह से जिक्सी जो है मुझे बार बार मारता है और मुझे दो बार बैन कर देता है, बैन करने के बाद वो मुझे फिर से रिवाइव कर देता है। रिवाइव होने के बाद जिक्सी के पास हार्ट बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मैं उसे कहता हूँ भाई देख अभी अपना तो हो गया, अभी अभी जो हार्ट्स है वो अभी मुझको दे दे। थोड़ी देर बाद वो भी मुझे जो हार्ट्स है वो दे देता है। तो इसी तरह से मुझे मेरे पास जो 15 हर्ट्स है वो अभी हो गए थे। इस वीडियो में यही पे था, तो अगली वीडियो में मैं आपको अपना जो सीक्रेट बिट्स है वो आपको दिखाऊंगा बनाया हुआ, और वहाँ पे मॉब स्पॉनर भी आपको मैं दिखाऊंगा कि मैंने एक्सपी फार्म है वो कहाँ पे बनाया हुआ है, एक माइनशॉप के अंदर बनाया हुआ। तो आपको बहुत कुछ दिखाना बाकी है, वो आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए पीस आउट।